यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह नेगी। सेकंड सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड सीरीज का जो मैं आज वर्कआउट कराने जा रहा हूँ वो आपको वेनेसडे का वर्कआउट कराने जा रहा हूँ। और आज हमारा जो वर्कआउट है वो है शोल्डर। फर्स्ट सीरीज में जो हमने वर्कआउट करा है, सेकंड सीरीज में ये वर्कआउट बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपका, यानी कि अब वेराइटी आ जाएगी। हमें वेराइटी पे बहुत काम करना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जब भी हम एक सिमिलर वर्कआउट मारते रहते हैं तो बॉडी बहुत सिमिलर रिजल्ट देती है। और बहुत स्टूडेंटों का कहना ये होता है कि अब हमारी बॉडी पंप नहीं हो रही है या रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कोशिश करें कि आप वेराइटी पे काम करें। शोल्डर का जो हम पहला वर्कआउट कर रहे हैं वो फ्रंट एंड बैक कर रहे हैं। इनमें दोनों एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी शोल्डर की। दोनों ही एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खड़े होकर इस वर्कआउट को करते हैं तो सबसे पहले आप बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि हम इसमें थोड़ा हैवी वेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने दोनों वर्कआउट जो आपको बताए हैं वो सीटेड बताए हैं। पहला जो मैं आपको वर्कआउट दिखा रहा हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, ये फ्रंट का वर्कआउट है और फ्रंट वर्कआउट आप स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ नोट रखिएगा कि आज जो मैं आपको वर्कआउट बताने जा रहा हूँ ये सारा वर्कआउट आपकी रॉड पे चलेगा, तो रॉड डिसबैलेंस भी होती है। कोशिश ये करें जब भी आप वेट लगाते हैं तो लॉक जरूर लगाएं, लाइट वेट से स्टार्ट करें, हैवी वेट तक जाएं। और रेपिटेशन है इस वर्कआउट के 15, 12, 10, 8। पॉस्चर आप देख लीजिए, फ्रंट का पॉस्चर चल रहा है वीडियो में। सेकेंड जो है वो सीटेड है, और सीटेड जो मैंने बैक शोल्डर करा है ये मैंने सीमित मशीन पे करा है। सीमित मशीन का एक बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो बैलेंसिंग बहुत रहता है और आप इसमें ज़्यादा वेट भी ले सकते हैं और इसमें हेल्प देना बहुत आसान होती है। कोशिश करें पार्टनरशिप में वर्कआउट करें, आपके साथ एक पार्टनर हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि पार्टनर आपसे थोड़ा सा हैवी होना चाहिए तो आपको मज़ा आएगा और बहुत जल्दी आपकी बॉडी इम्प्रूव भी करेगी। दोनों ही वर्कआउट में हेल्पर आपके पीछे होना चाहिए या आप अपने पार्टनर से हेल्प लेंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। थर्ड जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं वो है अपराइट रोइंग। अपराइट रोइंग स्टैंडिंग है पोस्चर में, वीडियो में पोस्चर आपको आ रहा है तो अपराइट रोइंग आप करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है अपराइट रोइंग, इसे बड़े तरीके से करिएगा आप और थोड़ा बैलेंस बनाते हुए चलिएगा। ग्रिपिंग का इसमें खास ध्यान रखिएगा आप, और कभी कभी जब आप इसमें वेराइटी दें तो ग्रिप को नैरो और वाइड कर सकते हैं आप। फोर्थ जो मैं आपको वर्कआउट कराने जा रहा हूँ वो है रिवर्स रक्स। ये भी मैंने सीमित मशीन में कराने की कोशिश करी है। मैंने आपको बताया कि इसमें बैलेंसिंग सीमित में अच्छा रहता है, और अगर आप वैसे करेंगे तो आपको बैलेंस खुद बनाना पड़ता है। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं, वेरिएशन ये बहुत अच्छा है। तो शोल्डर में आज मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई है। फ्रंट एंड बैक शोल्डर विद बार है आपका, अपराइट रोइंग है आपकी, और रिवर्स रक्स है आपका। शोल्डर तगड़े होकर आप करिए, एक अच्छा वेट मारने की कोशिश करिए, और जब शोल्डर फिनिश हो जाता है तो आप 5 to 10 minutes रेस्ट लीजिए और थोड़ा एब्डोमिनल भी कर लीजिए। एब्डोमिनल की भी वैरायटी मैं आपको दे रहा हूँ, आप आराम से पोस्चर देख लीजिए उनके और रेपिटेशन देख लीजिए। इनिशियली पीरियड में एब्डोमिनल पकड़ के चलना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं एब्डोमिनल बहुत बाद में करना शुरू करते हैं जब टमी बहुत आ जाती है। कोशिश करें उसे पहले से ही पकड़ के चलें, और कम करें पर करें जरूर, ऑल्टरनेट करें, चाहे वीक में 2 days करें, लेकिन आपने उसको ट्रेन जरूर करना है।
दो एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों के पॉस्चर आपके आ रहे हैं, दोनों का आप एक बारी देख लीजिएगा और इसी रेपिटेशन के अकॉर्डिंग इसे करिएगा।